जी ये सीक्वेंस ऐसा है कि फर्स्ट टाइम राधा राधा ने कुछ ऐसा किया है जिससे एल्डी बहुत नाराज़ है, और वो है उनके दुकान के बंटवारे की बात। जो दुकान उनका मेन फैमिली बिजनेस है, जिनसे जिससे उनका घर चलता है, तो राधा ने उस दुकान के बंटवारे में भी अपना हिस्सा मांगा है। बल्कि ये चीज़ जो उनका दुकान है वो बंटवारे से छूट गई थी, तो राधा ने सबको याद दिलाया कि ये चीज़ भी बिकेगी और उसके बंटवारे में मेरा भी हिस्सा चाहिए। तो एल्डी को लगता है कि दरअसल मैं यही चाहती हूँ कि इसके बहाने तो सब लोग एकजुट रहे और सबको मैं पास लाऊँ, पर एल्डी आधी अधूरी बात सुन लेता है और मुझसे इतना नाराज़ हो जाता है कि मुझे धक्का देकर, मुझे डांट कर, सब करके वो कार लेके चला जाता है। और फिर मैं उसका पीछा करती हूँ उसको कंसोल करने के लिए, एल्डी के ऐसा नहीं है, जो भी तुमने सुना वो सच नहीं है। और मैं आ पहुँचती हूँ एक ऐसी जगह देखने के लिए कि एल्डी कहाँ गया है। तो मैं देखती हूँ कि एल्डी किसी लड़की से बात कर रहा होता है, वो अपनी दिल की बात कहता है, जैसे कि तुम नहीं होती तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या होता, मैं किससे अपने दुख बांटता और किससे अपना दर्द शेयर करता। तो मैं देखती हूँ कि यार, मुझे लगता था कि एल्डी के लाइफ में सिर्फ मैं हूँ, राधा है उसकी लाइफ में और राधा ही उसका प्यार है। तो अभी राधा को पता चला कि ऐसा नहीं है, एल्डी के लाइफ में एक लड़की है जो एल्डी उसके पास जाता है और एल्डी उसे पता नहीं चाहता है, नहीं चाहता, पर राधा ने भी आधी अधूरी बात सुनी है और वो बस उसका दिल टूट गया। और बस आपको कैसा लगेगा अगर आपका लवर, जिसे आप इतना प्यार करते हो, जिससे आप करियर, अपनी फैमिली, अपना घर बार सब छोड़ के उसके पास आ गए सिर्फ उसकी फैमिली को ठीक करने के लिए, और वो लड़का किसी और को चाहता है और आपसे नफरत करता है, तो डेफिनेटली उतना दर्द होगा और सो ब्रोकन दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। तो वैसा ही राधा के साथ हुआ है और राधा निकल पड़ी बस, और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है, वो बहुत बार बच चुकी है। पर एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि राधा ने क्रॉस चेक किया, राधा ने मान लिया कि एल्डी के लाइफ में एक लड़की है। ये पूछा चाहूंगा, इतनी सारी शो आते हैं, इतने कॉम्पिटिशन है टेक इंडस्ट्री में, तो आपको जो शो है इस शो में क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट फैक्टर या कुछ सोशल मैसेज रिक्वायर्ड है? जी ऐसे कुछ नहीं है, एज यू नो इट्स अ राजश्री प्रोडक्शन शो, सो इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रॉपर फैमिली शो, that is equality and the entire family being together, celebrating the events, जो भी family problems है कि दोनों भाइयों के बीच में अनबन, उनकी family के बीच में अनबन, और दादाजी है, बुआ है, तो सारे aspects है इस show में। एक love story है, एक external factor है जो इस family को बर्बाद करना चाहता है, बिखरना चाहता है इस family को, तो everything we have in our show, so I feel my show is the app show, is the app family show where you get the love story, the romance. The best part about the show is there is one kind of passionate hate romance in the show where one girl is in love with LD, that's Radha is in love with LD. And so much in love that she leaves her career, she's going to become a heroine, her dream is going to get completed, but yet she feels that uska ghar aur uska pati uske liye zyada important hai aur wo uski priority hai. To ye aapko aaj to dekhne nahi milega, aaj kal ki life mein aisi ladki aapko dekhne nahi milegi, ya bahut hi kam dekhne milegi ki apna important career, jo career oriented ladki hai, bas apne pyar ke liye aur apna haq pura karne ke liye sab kuch chhod ke jati hai. To I think that is the best part about the show. And even after knowing कि वो लड़का उसको hate करता है, उसे नज़रों के सामने देख भी नहीं सकता, वो उसके लिए इतना कुछ कर रही है। ये पूछना चाहूँगा, एक actor या actress हो या कोई भी artist हो, उनके लिए makeup artist काफी important होता है। Definitely. अभी हाल ही में चारों जो artist हैं makeup artist में ये जीता है, जिसमें full page authority दी गई है license holder के तौर पे, जो कि पहले नहीं था ऐसा। जी. तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Can you please cut? Cut, cut, cut. जी मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू डू वट एवर ही फील्स. तो अगर आई थिंक इफ ओनली मेल कैन डू द मेकअप एंड फीमेल कैन डू द मेकअप, इट मैटर्स
अल्टीमेटली वॉट यू आर कम्फर्टेबल इन डूइंग एंड वॉट यू लाइक टू डू. अगर एक फीमेल आर्टिस्ट है जो मेकअप बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है और उसे बहुत चाहत है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बने, तो क्यों ना हो ऐसा. डेफिनेटली वो परस्यू कर सकती है एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस. इट्स ओपनिंग स्कोप फॉर फीमेल एंड इट्स सो नाइस दैट जहाँ जहाँ महिलाओं का हाथ नहीं था वहाँ भी हाथ गया है. और आई एम श्योर वी गोना कम अप वेरी नाइस एंड हम अपने उधर भी रंग दिखा देंगे. जी आई विल डेफिनेटली यू नो आई कैनॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज जो भी है इट्स एट अ वेरी हाई लेवल. इट्स इंटरनेशनल लेवल वेदर यू हैव टू डिसाइड बिकॉज यू नो आर्टिस्ट का क्या होता है कि जहाँ उनको प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ उनको अपना टैलेंट दिखाने मिले, तो उन्हें पूरा हक है कि वो वहाँ जाए, अपना टैलेंट दिखाए. अल्टीमेटली इट्स अबाउट परफॉर्मिंग एंड कीपिंग योर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड. सो जहाँ जिसको भी ये मिले और जहाँ अगर वहाँ उन्हें इंडिया से स्कोप मिल रहा है तो पाकिस्तान में स्कोप मिल रहा है तो क्यों ऐसा हो. वाई डू वी यू नो मे बी या मे बी जो बैरियर्स हैं हमारे ना. फॉर एग्जाम्पल आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तानी फैंस एंड इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि वो ऐसे नहीं आता कि पाकिस्तान है, इंडिया है. वो इक्वली हमारे शोज भी देखती है और हम जिंदगी चैनल देखते हैं, मैं देखती हूँ और आई लव द शो सो मच एंड द हिंदी द टेकिंग एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल दैट वो नहीं रहा. बट इट्स अगेन इट्स इंटरनेशनल लेवल वॉट एवर दे हैव टू डिसाइड दे डिसाइड बट आई थिंक इट्स अपॉन आर्टिस्ट एंड अबाउट परफॉर्मिंग एंड